यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का ईज ऑफ लिविंग के माध्यम से प्रदेश सरकार जनता की बेहतरी के लिए, सुगमता के लिए, सरलता के लिए और करप्शन फ्री व्यवस्था के लिए माननीय मोदी जी का सदैव आग्रह रहता आया। मुझे इस बात की प्रसन्नता कि मध्य प्रदेश सरकार ने आज एक नया कदम बढ़ाया है, वो है संपदा टू, अर्थात प्रदेश के नागरिकों को ई पंजीयन एंड ई स्टाम्पिंग के नवीन प्रणाली पार्ट टू के माध्यम से हमने एक बड़ी सौगात देने का आज फैसला किया है और उसको आज लागू करने जा रहे हैं। ये जनता के लिए, जो नागरिक जहाँ भी रहेगा वो घर से अपनी प्रॉपर्टी को बेच सकेगा, उसकी रजिस्ट्री कर सकेगा और ये रजिस्ट्री पेपरलेस तरीके से होगी। जो हम अगर किसी स्थान पे बैठे, मान लो मैं भोपाल में बैठा हूँ और मैं अपनी प्रॉपर्टी उज्जैन की सेल करना चाहता हूँ, तो मुझे इस व्यवस्था से यहाँ से जोड़ा जाएगा। मैं भारत के किसी भी कोने से हूँ तो वहाँ से जोड़ा जा सकेगा और भारत के अलावा भी किसी और भी राज्य से, राष्ट्र से हूँगा, अर्थात विदेश से भी हूँगा तो मुझे इस सुविधा का लाभ मिलेगा। ये वो चीज़ है जिस आज के बलबूते पर हम अपने अधिकार की भी रक्षा करेंगे, अपनी प्रॉपर्टी की रक्षा भी करेंगे और आवागमन का, फालतू का लगने वाला समय भी बचेगा और कई समय जो रजिस्ट्री के समय कई आरोप लगते हैं उन आरोपों से भी मुक्ति मिलेगी और स्टाम्पिंग के माध्यम से जो ई स्टाम्पिंग की व्यवस्था है उसको और सुदृढ़ करते हुए समूची पंजीयन की प्रक्रिया बहुत सरल की जा रही है। ये कितनी बड़ी सौगात है, एक तरह से पूरे देश के अंदर मध्य प्रदेश एकमात्र राज्य जो इस तरह के नवाचार में लगातार अग्रणी भूमिका निभा रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आज से कुछ समय, कुछ माह पहले हमने एक व्यवस्था लागू की थी कि रजिस्ट्री कराएंगे और नामांतरण कराने के लिए पटवारी के घर जाने की जरूरत नहीं। जिसके नाम की प्रॉपर्टी अगर वो सेल करता तो नामांतरण पटवारी तहसील में अपने आप राजस्व रिकॉर्ड में होगा। ये उससे बड़ा कदम है। उम्मीद करता हूँ इस कदम के माध्यम से भारत में मध्य प्रदेश की एक विशेष पहचान बनेगी और आम नागरिकों को बड़ी सुविधा मिलेगी। मेरी अपनी ओर से आप सबको इस नई सुविधा और सौगात की बधाई।